मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज IAS 10, जिसका टाइटल है नॉर्मली इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। अच्छा, इस स्टैंडर्ड के अंदर देखिए, हमें पता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है, जिसके अंदर एक स्टैंडर्ड हमने रिसेंटली किया दैट इज IAS 2। इसी तरीके से IAS 10 भी हमारे पास एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। सर, इस स्टैंडर्ड के अंदर क्या हमारे पास यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स बताई गई हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड में समझने की चीज़ों को कोशिश करते हैं ज़रा। अच्छा, मेरे पास एक अकाउंटिंग यानी कि कंपनी यानी कि कोई भी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर है तो उसका नॉर्मली एक अकाउंटिंग पीरियड होता है, एंड दैट अकाउंटिंग पीरियड यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जनवरी 2017। और अगर 1 जनवरी 2017 पे एंड हो रहा है, दैट मींस स्टार्ट हो रहा है, तो उसका मतलब 31 दिसंबर 2017 पे एंड होगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि अकाउंटिंग पीरियड के यही डेट्स हो, इट मी ईदर फ्रॉम 1 जुलाई टिल 30 जून। ठीक है, जो भी अकाउंटिंग पीरियड है, बट इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स। तो ये मेरे पास एक अकाउंटिंग पीरियड है कंपनी का। अच्छा, 31 दिसंबर 2012 पे जैसे ही अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 31 दिसंबर 2012 पे अकाउंटिंग पीरियड जब कंप्लीट हो गया, तो ये आपके पास जो डेट है, इस डेट को कहते हैं हम डेट ऑफ रिपोर्टिंग। क्या कहते हैं इसको? हम डेट ऑफ रिपोर्टिंग। क्यों डेट ऑफ रिपोर्टिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस डेट के ऊपर नॉर्मली मैनेजमेंट करती क्या है, मैनेजमेंट अकाउंट्स प्रिपेयर करती है। मैनेजमेंट क्या करती है? अकाउंट्स प्रिपेयर करती है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि एट 31 दिसंबर 2017 जैसे ही अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट हो गया, मैनेजमेंट क्या करेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ऐसे ही वैसे और भी कंपोनेंट्स है, लेकिन अभी फिलहाल हम उसको अगर टू दी पॉइंट रखें तो उसका मतलब ये कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करेगी। कौन प्रिपेयर करेगी? मैनेजमेंट प्रिपेयर करेगी। कब प्रिपेयर करेगी? डेट ऑफ रिपोर्टिंग पे। एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग का मतलब क्या है? जो ईयर एंड या अकाउंटिंग पीरियड की एंडिंग डेट है, दैट इज 31 दिसंबर। यहां तक क्लियर इसके अंदर? अच्छा, अब एक सवाल कि अगर मैनेजमेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, दैट इज इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये प्रिपेयर करके आपको देती है, और इनकम स्टेटमेंट के अंदर लेट्स से 3.5 मिलियन का आपको प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया, यानी कि अगर कंपनी की मैनेजमेंट कहती है कि कंपनी को 3.5 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को दी जाती है। शेयर होल्डर्स कौन है? रिमेंबर, द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ऐसे ही हमने बिल्कुल जब स्टार्ट की थी क्लासेस तो वहां पर हमने डिटेल देखी थी। अगर शेयर होल्डर्स को दी जाती है, 3.5 मिलियन का प्रॉफिट शो कर रहा है, तो मुझे बात पता है क्या बींग अ शेयर होल्डर आप इस प्रॉफिट के ऊपर ट्रस्ट या रिलाय करेंगे? सर क्यों नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। आए जरा कुछ और बातें समझते हैं। सर, जब यहां पे अकाउंटिंग पीरियड आपके पास जो कंसिस्ट कर रहा है 12 मंथ्स का, ड्यूरिंग दिस अकाउंटिंग पीरियड कुछ ट्रांजैक्शंस भी हैं, ऐसे ही? सर, ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई, ये ट्रांजैक्शंस किसने की है? मैनेजमेंट ने किए, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। सर, इसी तरीके से जितनी भी ट्रांजेक्शन है, इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया गया है, ऐसे ही ना? इसी को तो अकाउंटिंग कहते हैं। अच्छा, ये जितनी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया गया, ये रिकॉर्ड किसने किया है? मैनेजमेंट ने। और इन ट्रांजेक्शन की बेसिस के ऊपर यहां पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है, दैट इज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट भी किसने बनाई? मैनेजमेंट ने। यानी कि ट्रांजेक्शन इनकर किसने की? मैनेजमेंट ने। रिकॉर्ड किसने किया? मैनेजमेंट ने। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी किसने बनाई? मैनेजमेंट ने। मैनेजमेंट है कौन? दे आर दी एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा ही ना, मैनेजमेंट कोई ओनर थोड़ी है, दे आर दी एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये जो आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये जो आपके पास सीईओ है, ये आपके पास कौन है? दे आर दी एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक एम्प्लॉई ने, एक मैनेजमेंट ने आपको यहां पे इनकम स्टेटमेंट दिखाई है, 3.5 मिलियन का प्रॉफिट दिखा रहा है, और उसके बेसिस के ऊपर यानी कि उसके बैकग्राउंड पे जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो सब एम्प्लॉई ने यानी कि मैनेजमेंट ने खुद की है। अब मेरा फिर से सवाल सुने कि क्या आप इस प्रॉफिट के ऊपर ट्रस्ट या रिलाय करेंगे? इज दिस इनकम स्टेटमेंट सो ट्रस्टवर्दी? क्या आप इस प्रॉफिट के ऊपर रिलाय कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सर सारा काम तो मैनेजमेंट ने परफॉर्म किया है, और मैनेजमेंट ने हमें प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया 3.5 मिलियन का, डेफिनेटली हम इस प्रॉफिट के ऊपर ट्रस्ट या रिलाय नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? होता ही है कि जैसे ही अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज ऑडिट। ऑडिट क्या है बेसिकली, इसको बिल्कुल आसान जबान में समझते हैं जरा। ऑडिट के लिए आपके पास एक पूरा अलग से सब्जेक्ट भी है, इसको आगे चल के इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे। बिल्कुल ले टर्म में समझते हैं ऑडिट क्या है बेसिकली। ऑडिट इज बेसिकली द वेरिफिकेशन, यानी कि वेरीफाई किया जाता है, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई किया जाता है,
यानी कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है उसको वेरीफाई किया जाएगा। कौन करेगा? वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय इंडिपेंडेंट पर्सन। एक इंडिपेंडेंट पर्सन है जो उसको करता क्या है, उसको वेरीफाई करता है। सर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या, गैर शादीशुदा होना चाहिए? अरे नहीं, इंडिपेंडेंट का मतलब यह कि जिसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर ना हो। नॉर्मली ये आपके पास ना तो मैनेजमेंट का होता है ना शेयर होल्डर्स का, ये कोई एक आउटसाइड आपके पास पार्टी है जिसको नॉर्मली हम ऑडिटर कहते हैं। यानी कि इस इंडिपेंडेंट पर्सन को नॉर्मली हम क्या नाम देते हैं, ऑडिटर कहा जाता है। खैर तो ये करेगा क्या, ऑडिटर, ऑडिटर यानी कि इंडिपेंडेंट पर्सन करेगा क्या, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करेगा, एंड दैट वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड ऑडिट। अच्छा, अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि ऑडिटर यहां पर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करेगा। जो एक्सपेंसेस गिवन है क्या वो सही है या नहीं, ऐसा तो नहीं एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट किया हुआ हो। जो एसेट्स गिवन है उनको वेरीफाई करेगा कि ऐसा तो नहीं कि कहीं ये एसेट्स ओवरस्टेटेड हो। रेवेन्यूज जब गिवन है तो उनको देखना पड़ेगा कि कहीं रेवेन्यूज ओवरस्टेटेड तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये तमाम बातों को वेरीफाई कर रहा होगा ऑडिटर। अच्छा, होता क्या नॉर्मली, यूजुअली ऑडिट कंप्लीट होने में 2.5 से 3 महीने तकरीबन लग जाते हैं, यानी कि 3 महीने तकरीबन आपके पास लग जाते हैं। लेट्स से 31st of March 2018। देखिए 31st दिसंबर पर आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली गई। अब उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो रहा है। ऑडिट करने का मतलब क्या है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, चेकिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया जा रहा है। चेक करने के लिए तकरीबन 2 से 2.5 महीने तकरीबन 2.5 महीने अप्रोक्सीमेटली आपके पास लगते हैं उसके अंदर। सर इतना टाइम क्यों? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और 3 कंपोनेंट्स और भी हैं जो हमने इन्वेंट्री के चैप्टर में देखा था। सर इतनी सारी चीजें जब इसके अंदर मौजूद हैं, इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल्स है, रिटर्न है, इसी तरीके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री है, नेट परचेजेस को वेरीफाई करना है, एंडिंग इन्वेंट्री को वेरीफाई करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर डिफरेंट एक्सपेंसेस है, सैलरीज है, रेंट है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लाइन आइटम्स मौजूद हैं, तमाम लाइन आइटम्स को वेरीफाई करना है तो डेफिनेटली टाइम लगता है। तो 2.5 से 3 महीने के अंदर नॉर्मली ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। हमने एग्जांपल ली, लेट्स से 31st of March 2018 पे ऑडिट कंप्लीट हो गया, यानी कि ऑडिट आपके पास कंप्लीट होने के बाद 31st मार्च 2018 पे अब होगा क्या? सर जो आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो करेंगे क्या, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखिए, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी ये हमने अभी तक शेयर होल्डर को नहीं भेजी थी। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की थी, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने अपने यूजर्स यानी कि शेयर होल्डर्स को डिस्पैच नहीं की थी। क्यों? फायदा ही नहीं था, कोई भी शेयर होल्डर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ट्रस्ट या रिलाय नहीं करता। तो हमने क्या किया, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ऑडिट करवाया, और ऑडिट कराने के बाद आज 31st दिसंबर 2018 पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आज ऑथराइजेशन दे देंगे, कंफर्मेशन दे देंगे, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहां पे ऑथराइज कर देंगे। किस चीज की ऑथराइजेशन दे रहे हैं, ऑथराइज फॉर इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथराइज करने की पर यानी कि इश्यू करने की ऑथराइजेशन दे देंगे 31st मार्च 2018 पे। क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऑथराइज कर दिया। किस चीज का ऑथराइज किया, फॉर इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम अपने शेयर होल्डर को क्या कर दें, इश्यू कर दें। और बेसिकली अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये आपके पास कहलाती है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहलाती है, ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका ऑडिट कर लिया गया है, जिसको वेरीफाई कर लिया गया है, यानी कि अब ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके ऊपर शेयर होल्डर ट्रस्ट करेगा, ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके ऊपर शेयर होल्डर रिलाय करेगा। क्यों? क्योंकि इसको इंडिपेंडेंट पर्सन ने एक मरतबा उसको वेरीफाई कर लिया है, चेक कर लिया है, तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कहा जाता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, समअप करता हूं। सर मेरे पास हुआ क्या, अकाउंटिंग पीरियड जैसे ही कंप्लीट हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई। और याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनेगी, और ये कौन बना रहा है, मैनेजमेंट बना रही है। मैनेजमेंट का मतलब कौन बना रहा है, दैट इज एम्प्लॉईज बना रहे हैं, ऐसे ही। अच्छा, अब जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, दैट मीन डेफिनेटली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने यूजर्स या शेयर होल्डर को डिस्पैच नहीं करेंगे, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कराया गया। जैसे ही ऑडिट कंप्लीट हुआ, ऑडिट कंप्लीट होने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथराइजेशन दे दी, अप्रूवल दे दिया। किस चीज का अप्रूवल दिया, कि अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू कर दी जाए, डिस्पैच कर दी जाए, किसको, शेयर होल्डर्स को। दैट इज नोन एज ऑथराइज फॉर इश्यूएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, याद है क्लियर इसके अंदर।
अच्छा इस पूरे चैप्टर, यानी कि अभी मैंने इस चैप्टर को डिस्कस ही नहीं किया कि इस चैप्टर में है क्या, अभी तो हम सिर्फ एक जनरल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, यानी कि किस तरीके से प्रैक्टिकली काम किया जाता है। ये जो आपके पास डेट है यानी कि 31 मार्च 2018 जिस पे बीओडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथराइज कर रहा है फॉर इश्यूएंस, इस डेट को कहा जाता है डेट ऑफ ऑथराइजेशन। क्या कहते हैं उसको हम, डेट ऑफ ऑथराइजेशन। दो डेट्स हमारे सामने आ रही है, यानी कि इन दो डेट्स को समझना बहुत जरूरी है। एक है डेट ऑफ रिपोर्टिंग, इसको नॉर्मली बैलेंस शीट डेट भी कहा जाता है, इसको नॉर्मली बैलेंस शीट डेट भी कहा जाता है। दो डेट्स है हमारे पास, एक है बैलेंस शीट डेट या डेट ऑफ रिपोर्टिंग कह लें, और एक है डेट ऑफ ऑथराइजेशन। पहले तो दोनों को समझते हैं, क्या समअप करते हैं। डेट ऑफ रिपोर्टिंग इज द डेट एट विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, नंबर वन। डेट ऑफ ऑथराइजेशन क्या है, डेट ऑफ ऑथराइजेशन इज द डेट एट विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर इश्यूएंस टू शेयर होल्डर, कि अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्या करने जा रहे हैं, इश्यू करने जा रहे हैं टू द शेयर होल्डर। यहां तक क्लियर है इसके अंदर। मैं अभी फिर कह रहा हूं, मैंने इस चैप्टर को डिस्कस ही नहीं किया, सिर्फ हम कुछ जनरल बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है इसके अंदर। तो हमने ये दो डेट्स यहां पर देखी। वैसे तो डेट आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सा वर्ड है, ऐसे ही मतलब, लेकिन यहां पे इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस वर्ड से नफरत हो जाए, क्योंकि इस पूरे टॉपिक के अंदर, इस पूरे टॉपिक के अंदर हम डेट के ही बारे में डिस्कस करेंगे, और इतना डिस्कस करेंगे कि इंशाल्लाह आपको आज के बाद इस वर्ड से आपको नफरत होने लगेगी। तो आए जरा देखते हैं हम यहां पर। अब आते जरा इस चैप्टर के एजेंडा को देखते हैं कि चैप्टर हमारे पास क्या है और क्या चीजें हमें ब्रीफ करना चाह रहा है। देखते जरा, मेरे पास एक कंपनी है, उसका अकाउंटिंग पीरियड लेट्स से एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2018 पे अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया। ये क्या है सर, ये है डेट, है ना, बट डेट ऑफ व्हाट, इसको हम कहते हैं डेट ऑफ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग की डेट है, बैलेंस शीट डेट है। इस डेट पे क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। कौन बनाएगा, मैनेजमेंट बनाएगी। कौन है मैनेजमेंट, इंप्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। याद रख लिया इसके अंदर। चले 31 दिसंबर पे डेट ऑफ रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली गई। अगेन हुआ क्या सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कराया गया, वेरिफिकेशन होती रही। वेरिफिकेशन होने के बाद जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कंप्लीट हो गया, एक आपके पास डेट आई, दैट इज 31 मार्च 2019। ऐसे ही 31 मार्च 2019, ऐसे ही ना, जनवरी फरवरी और मार्च, तीन महीने बाद। इस डेट पे क्या हुआ सर, इस डेट के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि ऑथराइज की गई, इसको हम कहते हैं डेट ऑफ ऑथराइजेशन। डेट ऑफ ऑथराइजेशन इसको नॉर्मली कहा जाता है। सर इस डेट पे क्या होगा, इस डेट के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज फॉर इश्यूएंस टू द शेयर होल्डर। डेट ऑफ ऑथराइजेशन मेरे पास यहां पर कहलाएगी। यहां तक क्लियर है इसके अंदर। सर कहना क्या चाह रहे हैं, हो क्या रहा है, अब आए जरा सुने। देखिए वो ट्रांजैक्शन जो रिपोर्टिंग डेट के अंदर हो रही है, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये ट्रांजैक्शंस आपके पास भाई, इन ट्रांजैक्शन को आपने डेट ऑफ रिपोर्टिंग पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की गई थी उसके अंदर आपने क्या कर दिया, उसको एडजस्ट कर दिया। परफेक्ट, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा काम किया आपने, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन या कोई इवेंट, गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट जो अराइज होता है रिपोर्टिंग डेट के बाद, यानी कि रिपोर्टिंग डेट के बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन या कोई इवेंट अराइज होता है, इफ एन इवेंट अराइज कब, आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग डेट के बाद अराइज होता है लेकिन डेट ऑफ ऑथराइजेशन से पहले, यानी कि इन तीन महीनों के अंदर, डेट ऑफ रिपोर्टिंग के बाद और डेट ऑफ ऑथराइजेशन से पहले अगर कोई इवेंट अराइज होता है, अगर कोई इवेंट अकर होता है, तो उस इवेंट को किस तरीके से डील करें, उस इवेंट को किस तरीके से अकाउंट फॉर करें, ये ट्रीटमेंट कौन बताएगा, दैट इज IAS 10। IAS 10 का टाइटल क्या है, कह रहा है इवेंट्स, कौन से इवेंट्स, कौन सी ट्रांजैक्शन, कह रहा है इवेंट्स वो कौन से जो आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड हो, यानी कि रिपोर्टिंग डेट के बाद जो इवेंट्स होंगे उनको किस तरीके से डील करना है। इस चैप्टर का पूरा टाइटल है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन। आई रिपीट, इस चैप्टर का पूरा, यानी कि टाइटल में तो सिर्फ यही लिखा हुआ इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, लेकिन उसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो कहता है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड के बाद लेकिन डेट ऑफ ऑथराइजेशन से पहले।
कह रहे कोई भी अगर इवेंट होगा, अगर कोई इवेंट अराइज होता है तो उसको किस तरीके से डील करना है, उसको किस तरीके से अकाउंट फॉर करना है, ये कौन बताएगा? IAS 10। इसीलिए इसका नाम है क्या? इवेंट्स। कौन से? आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। बिफोर रिपोर्टिंग पीरियड अगर कोई इवेंट हो रहा है तो वो तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, वो तो तुम रिकॉर्ड करोगे, लेकिन रिपोर्टिंग डेट के बाद अगर कोई इवेंट अराइज होता है तो उसको किस तरीके से अकाउंट फॉर करना है? सर बात कुछ समझ में नहीं आ रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर बैलेंस शीट डेट हो गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, अब अगर कोई इवेंट अराइज होता है तो उसको अकाउंट फॉर करने की जरूरत ही क्या है? सर 2019 के अंदर भाई, फॉर एग्जांपल 10th ऑफ जनवरी पे अगर कोई इवेंट होता है 2019, सर 2019 की ट्रांजेक्शन है, 2019 का इवेंट है, उसको हम 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकोमोडेट कर देंगे ना, क्यों आप उसको यहां पर लेकर आ रहे हैं? IAS 10 कहते हैं नहीं, अगर कोई आपके पास रिपोर्टिंग डेट के बाद इवेंट आ रहा है, कब? जनवरी में, फरवरी में या मार्च में, अगर आपके पास रिपोर्टिंग डेट के बाद कोई इवेंट आ रहा है तो उस इवेंट को किस तरीके से अकाउंट फॉर करना है? या तो इस इवेंट को मैं 31 दिसंबर 2018 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करवाऊंगा, या फिर मैं इसको 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करवाऊंगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। यानी कि IAS 10 मुझे गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है कि इस इवेंट को आपने करना क्या है, इधर टू अपडेट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2018 और टू डेफर इट टू 2019 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ऐसा क्यों? देखिए डेट ऑफ ऑथराइजेशन, ये वो डेट है जिस डेट पे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथराइज करने जा रहे हैं। और याद रहे, एक मरतबा अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को दे दी, इसका मतलब अब आपके हाथ से गोट निकल गई, ऐसा ही ना। लेकिन जब तक मैंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने शेयर होल्डर को नहीं दी, ये देखिए घर पे है ना, अभी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके घर में पड़ी हुई है, यानी कि डेट ऑफ रिपोर्टिंग के बाद अभी तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट चल रहा है, चेक कर रहे हैं, अभी भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके हाथ में है, कुछ अगर चेंजेस करनी है तो हो जाएंगी, कुछ अगर चीजों को अपडेट करना है तो हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि डेट ऑफ रिपोर्टिंग के बाद, लेकिन डेट ऑफ ऑथराइजेशन से पहले। अगर डेट ऑफ ऑथराइजेशन के बाद कोई चीज सामने आई तो माजरत के साथ अब हमारे हाथ से एक आनी निकल चुकी है, यानी कि IAS 10 फिर हमें उस सिचुएशन के अंदर गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करेगा, उसके लिए फिर दूसरे स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होंगे। यहां तक बात समझ आ रही है इसके अंदर? लेकिन IAS 10 की जो एम्बिट है, जो जुरिसडिक्शन है, जो आपके पास यहां पर स्कोप है, दैट इज फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग टिल द डेट ऑफ ऑथराइजेशन। रीजनिंग, क्योंकि ये वो पीरियड है, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी हमारे कंट्रोल में है। हमने शेयर होल्डर्स को अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्पैच नहीं की। इफ यू वांटेड टू अपडेट समथिंग हम कर सकते हैं, इफ यू वांटेड टू चेंज समथिंग आप कर सकते हैं उसके अंदर। अगर आपको कोई एरर्स हैं तो उसको आप आइडेंटिफाई करके करेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक मरतबा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्पैच हो गई तो फिर हमारे हाथ में कहानी नहीं रहेगी, IAS 10 फिर उसके आगे एप्लीकेबल नहीं होगा। याद है क्लियर इसके अंदर? तो मैं सम अप करता हूं मेरी डिस्कशन को। इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड जो टाइटल है, दैट इज इफ द इवेंट अकर कब, इफ इवेंट अराइज कब, आफ्टर द डेट ऑफ रिपोर्टिंग बट बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन, सच इवेंट्स, यानी कि उन इवेंट्स को किस तरीके से डील किया जाएगा। मैंने अभी कुछ नहीं समझाया कौन से इवेंट्स क्या, लेकिन क्या कह रहा है, वो इवेंट्स जो इस पीरियड के अंदर, इस स्पैन ऑफ टाइम के अंदर इनकर हो रहे हैं या अराइज हो रहे हैं, उन इवेंट्स को हम किस तरीके से अकाउंट फॉर करें, ये मुझे कौन सा सिखाएगा या समझाएगा? दैट इज IAS 10, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। यहां तक क्लियर इसके अंदर? अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे, 6-7 हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे, और भी बहुत सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक मेरी डिस्कशन से जो आपको बात समझ में आनी चाहिए, नंबर 1, एक तो आपको कंपनी का मैकेनिज्म पता चलना चाहिए कि मैकेनिज्म क्या है। इसी तरीके से दूसरी बात जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये कि IAS 10 का स्कोप क्या है, इसकी एम्बिट क्या है, क्या चीजों को डील कर रहा है। ये डील कर रहा है अगर कोई इवेंट रिपोर्टिंग डेट के बाद हो और डेट ऑफ ऑथराइजेशन से पहले हो तो उस इवेंट को आपने किस तरीके से अकाउंट फॉर करना है। यानी कि क्या हम इस ईयर की फाइनेंशियल, जो 2018 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसके अंदर उस इवेंट को एडजस्ट करें या ना करें, उसको अकाउंट फॉर करें या ना करें, उसको एकोमोडेट करें या ना करें। बात समझ आ रही है इसके अंदर? तो अब हम इसकी कुछ